नागरिक संशोधन विधेयक 2016 को लेकर असम में फिर से विरोध जारी। आज असम के तिनसुकिया शहर में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका गया। असम में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 को लेकर एक बार फिर विरोध प्रारंभ हो चुका है। आज तिनसुकिया में मटक युवा छात्र सम्मेलन द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक 2016 पर विरोध प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा का पुतला फूंका गया। आज हम लोग ऑल असम मटक युवा छात्र सम्मेलन तथा और हम लोग तिनसुकिया का जितना पब्लिक एकत्रित होकर असम का माननीय मुख्यमंत्री तथा सर्बानंद सोनोवाल, असम का जो फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हम लोग पुतली का डाक कर रहे हैं। इसका मेन कारण एक ही है, जब भारत सरकार पुनः जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 इसको लोकसभा में पास करने के लिए तो कोशिश कर रहा है, इसका हम लोग ऑल असम मटक युवा छात्र सम्मेलन तीव्र विरोध करते हैं। उल्लेखनीय है कि एक ओर केंद्र सरकार नागरिक संशोधन विधेयक 2016 लाने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है तो दूसरी ओर पूरे उत्तर पूर्वांचल में इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 विरोधी आंदोलन में आगंतुक दिनों में और भी तेजी आएगी, इसमें दो राय नहीं है। आज तिनसुकिया सिविल अस्पताल के प्रसूति विभाग के 100 बिस्तरे वाले नए भवन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने भवन के अगले हिस्से से धुआं निकलते देखा। एक ओर धुआं, दूसरी ओर दमकल विभाग के लोगों की तत्परता देखते ही देखते भवन के समक्ष मीडिया कर्मियों से लेकर आम लोगों की भीड़ जमा हो गई। तब जाकर लोगों को माजरा समझ में आया कि यह आग लगने पर क्या करना चाहिए। इस विषय पर दमकल विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है। तिनसुकिया दमकल विभाग द्वारा आज तिनसुकिया सिविल अस्पताल के प्रसूति भवन के मुख्य द्वार के समक्ष आग लगने पर क्या उपाय करने चाहिए, दमकल विभाग द्वारा किस प्रकार आग पर काबू पाया जाता है, मॉक ड्रिल के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक के अलावे तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मृदुल गगोई भी उपस्थित थे। तिनसुकिया जिले के डिगोई बुगा पानी में जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता का उदाहरण, मुस्लिम जोड़े का विवाह संपन्न करवाया हिंदू समाज के लोगों ने, दूल्हा दुल्हन दोनों ही विकलांग। डिगोई के बुगा पानी में अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन दोनों ही गरीबी एवं कमजोरी से लाचार। विवाह संपन्न करवाने वाले हिंदू समाज के लोग, दूल्हे का नाम जो यूनुल अली, दुल्हन का नाम नूर जहां बेगम। विवाह हुआ वैदिक रीति रिवाजों के साथ। जी हां, तिनसुकिया जिले के डिगोई बुगा पानी में हिंदू समाज के लोगों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ मुस्लिम जोड़े का विवाह संपन्न करवाया, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। आज जे बिया सम्पन्न होइसे, ए बियात ए सोली जनी जी धरा कन्या तेल मुस्लिम संप्रदाय पर बिलोंग करे आरो তেওঁলোক একেবাৰে অতি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আৰু তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱেও বিকলাংগ। তথাপি ইয়াত বগাপানী আমাৰ হিন্দু ৰাইজে আৰু সবৰ সহযোগত হিন্দু মুছলিম বাদ দি কিনে জাতি ধৰ্ম গোটেইখিনি বাদ দি কিনে একলগ হৈ কিনে আজি এই বিয়াখন সম্পন্ন কৰিছে আৰু উক্ত বিয়াত উঠি পৰি ভাগ লৈছে আৰু যথেষ্ট সহযোগ আছে ৰাইজৰ ইয়াত আৰু তেওঁৰ দৰা আৰু কন্যাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে কামনা কৰোঁ। আৰু কালিকা পি কঙ্গেলুজ ডিগবৈ।